अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं और नई वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, सुफियाज कुक हाउस में आप सभी का वेलकम। आज हम लोग बनाएंगे भटूरे, जो कि मेरी पिछली रेसिपी आप लोगों ने देखी थी छोले की। तो छोले तो बग़ैर भटूरे के अधूरे ही हैं, तो आज हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे भटूरे बना करके। तो चलिए देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। हमने ले लिया है 5 कप मैदा और इसमें हमने 1 कप ऐड किया है नॉर्मल आटा, जिससे हम लोग रोटी बनाते हैं, और 1/4 कप सूजी, 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 कप दही, और 2 से 3 टेबल स्पून इसमें जाएगा ऑयल। इसका आटा नरम गूंधा जाएगा और हल्के गुनगुने पानी से गूंधा जाएगा। तो सारी पहले ड्राई चीज़ें इसमें मिक्स कर लेते हैं, नमक, बेकिंग पाउडर, सूजी, और ये सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे दही। अब सारी चीज़ें हाथ से मिक्स करेंगे। दही बहुत ठंडा नहीं लीजिएगा, दही रूम टेम्परेचर का चाहिए। थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आटे को गूंदना है। तो देखें, ये 2 से 3 घंटे रखने के बाद इस तरीके से ये आटा ढल गया है, बहुत ही सॉफ्ट। अब इसको हम लोग छोटी छोटी सी हाथ में हल्का सा ऑयल ग्रीस करके फिर उसके बाद लोई बना लेंगे इसकी। छोटी छोटी सी लोई बना के रख लेने से आसानी होती है, ढला रहता आटा तो फिर जल्दी से भटूरे बेल जाते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा ऑयल इसमें भी लगाएंगे और जहाँ पे बेल रहे होंगे उस जगह पे भी लगाएंगे। तो आप चाहे गोल या लंबे जिस तरीके से बनाना चाहे बना लें। फ्लेम को मीडियम पे रखना है, तेज़ जब गर्म हो जाए उसके बाद मीडियम फ्लेम कर देना। इसको हल्के हल्के से प्रेस करना है और फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना है। तो देखें, ये बहुत ही ज़बरदस्त से भटूरे बन करके तैयार हुए हैं, बहुत ही सॉफ्ट और बिल्कुल भी ऑयल इसमें नहीं दिख रहा है। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और बताइएगा कि कैसी लगी, और अपनी अगली फरमाइश मेरे कमेंट सेक्शन में करना ना भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं सूफियाज़ कुक हाउस में एक नई सी मज़ेदार डिश के साथ। अपना ख्याल रखें, थैंक यू।